हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। आज हम करेंगे कंस्ट्रक्शन चैप्टर 11, इसकी एक्सरसाइज 11.2 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। ओके, बोला है कि कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस, अंदर वाले सर्कल पर बाहर वाले सर्कल से टेंजेंट बनानी, और दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक है, दोनों का एक ही सेंटर है, एंड मेजर इट्स लेंथ, इसकी लेंथ पता करनी है। फिर बोला ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन, इसको ना एक्चुअल कैलकुलेशन से भी हमें वेरीफाई करना है। तो देखो एक एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो अभी तक का समझ में आया, देखो एक रफ डायग्राम बनाने की आदत जरूर डालू, बहुत बढ़िया आदत है। एक बाहर सर्कल होगा, एक अंदर सर्कल होगा, और एक इसके बाहर सर्कल होगा, इस टाइप से, ठीक है। अंदर वाले की रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और बाहर वाले की रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस बाहर वाले के किसी पॉइंट से हम अंदर वाले पर क्या डालेंगे, टेंजेंट्स डालेंगे, ठीक है। इस टाइप से इस पर क्या डालेंगे हम, टेंजेंट्स। तो बताना कि यहाँ से यहाँ तक ये वाली लेंथ, यहाँ से ना यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, ये हमें पता करना है, ये वाली लेंथ कितनी होगी। तो ये है अपनी सिचुएशन, फिर इसको हम पर्सनली मतलब कैलकुलेट भी करेंगे इसको अलग से, ठीक है, एलजेब्रा से। तो बनाते स्टार्ट करते, ये अपना रफ डायग्राम है, ये आइडिया तो मिल गया ना कम से कम। तो अंदर की तरफ एक सेंटर ले लेते हैं पहले, जैसे 6 सेंटीमीटर की रेडियस है, तो यहाँ तक बस इतने से में काम हो जाएगा, ऊपर तक तो शायद ज़्यादा जाएगा नहीं, ठीक है, इतना तो नहीं जाएगा। तो इस सेंटर से हम 2 सर्कल बना लेते हैं, एक तो 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर ये हो गया, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, हाँ हाँ, यहाँ पर रखा इसको कंपास को और बना दिया एक सर्कल, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ना एक और सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस जो है वो सेंटर तो यही रहेगा, उसकी रेडियस 6 होगी, तो एक और सर्कल बना देते हैं इसके ऊपर, ये ठीक है, 6 सेंटीमीटर मैंने मेजर कर लिया है, यहाँ से एक और 6 सेंटीमीटर का इस टाइप से बन गया है। ठीक है, अब क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट, अच्छा ठीक है। अब इस बाहर वाले के, जैसे मान लो यहाँ पर पॉइंट ले लिया मैंने, बाहर वाले से अंदर वाले पर ना टेंजेंट बनाना है, इसने कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट, एक ही टेंजेंट बोला तो एक ही बना ले, दोनों बना लेते हैं। यहाँ पे बोला ए, इसको ओ नाम दे दिया, यहाँ पर इसको पी पॉइंट नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन जैसी सिचुएशन है, ठीक है, बाहर भूल जाओ कि बाहर वाला कोई सर्कल है, इसी अंदर वाले पर टेंजेंट बनानी है, तो इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, इसको इससे हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसी ओपी लाइन का ही क्या ले लेते हैं हम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पता ना कैसे कैसे स्टेप्स बनाते हैं, पहले बाहर जो सर्कल है वो, फिर बाहर पॉइंट ले लिया, अब इसका एंगल बाइसेक्टर बना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना, यहाँ पर एक पॉइंट मिला, इस पॉइंट को सेंटर मान के इस टाइप से एक सर्कल बना देते हैं, जहाँ पर ये बाहर वाला, जहाँ पर दोनों सर्कल मिले उसको ऐसे हम ज्वाइन कर देते हैं, ये बन गई टेंजेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ओपी, ओपी का लेना हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ओपी की लेंथ 6 है ना, तो 6 का आधा 3, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेना है इसको, हाँ ये तो ज़्यादा हो गया, मैं ये नहीं यहाँ से कट लगा देता हूँ, एक तो ये कट हो गया। अब इसको हिलाना मत, इसको चार बार आर्क लगाएंगे, चार, एक बार भी मत लेना इसको, ये हो गया, 2 का आर्क कट मैंने यहाँ से लगा दिया, इसको सेंटर मान के, अब उस पी को सेंटर मान के 2 कट, एक यहाँ लगा दिया और एक इधर लगा, अरे रे रे हिल गया, यहाँ से ये लगा दिया, ठीक है। इन दोनों कट को मिला देंगे, अब इसको ना ज़्यादा डार्क करके मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो बस ये बीच वाला पॉइंट चाहिए, तो इसको डॉटेड सा मिला दिया, थोड़ा एकदम लाइट लाइट सा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मिल गया हमें, ये वाले पॉइंट को क्या नाम देते हैं, बीच का पॉइंट है, तो मिड पॉइंट, तो एम नाम दे दिया इसको। अब क्या करना है कि इस ओ पी को डायमीटर मान के हमें सर्कल बनाना पड़ेगा, तो सेंटर कौन आएगा, एम आ जाएगा, ठीक है, एम को सेंटर मान के एक छोटा सा नया सा
सर्कल बना देते हैं। पता है रेडियस, या तो OM ले लेना या MP ले लेना, क्योंकि सर्कल के लिए सेंटर के साथ रेडियस भी चाहिए। ये हो गया, अब इसको कर देते हैं, सर्कल बना देते हैं। एक चाहो तो डॉटेड सर्कल बना सकते हो इस टाइप से, ठीक है। डॉटेड सर्कल सा मैं बना रहा हूँ क्योंकि फिर तो सर्कल ही सर्कल हो जाएंगे। ये हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो बाहर वाला जो पॉइंट होता है, यहाँ से ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम ऐसे और ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो P है, ये बाहर वाला सर्कल तो भूल ही जाओ, सबसे बड़ा वाला सर्कल ना, हमें बस उसके ऊपर पॉइंट मिल गया एक P। अब इस P को ये जो पॉइंट मिला और ये जो पॉइंट मिला, यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं A और B, ठीक है। पी ये है A, ये यहाँ पर B। P को A से ज्वाइन कर दो, P को B से ज्वाइन कर दो, तो कैसा रहेगा यहाँ पर, ये हो गया। और इधर बना देते हैं इसको, इधर से बना देते हैं, ये हो गया। ये होगी अपनी टेंजेंट्स, ये PA और ये PB, ये दोनों की दोनों होगी टेंजेंट्स, ठीक है। ये अपना B पॉइंट है यहाँ पर। अब बोला क्या है कि अब इनकी लेंथ मेजर करो कि लेंथ आखिरकार है कितनी। इनकी लेंथ मेजर की तो PA की लेंथ कितनी आ रही है, PA की लेंथ आ रही है 4.4 लग रहा है मुझे तो, 4.4। देखो ये अगर इरेशनल नंबर हुआ तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मिलेगी हमें, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो फिर भी लिख लेते हैं, लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स बाय कंस्ट्रक्शन, कितनी मिली लेंथ ऑफ टेंजेंट्स हमें बाय कंस्ट्रक्शन मिली, अप्रोक्सीमेटली 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मिली हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, PA मतलब ये PA और PB की लेंथ है, PA इक्वल टू PB इक्वल टू 4.4, PA PB दोनों बराबर ही होगी। अब हम एक बार कैलकुलेशन से पता कर लेते हैं, कैलकुलेशन से यहाँ पर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, देखो ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन तो हम कर देते हैं अच्छे से। बाय कैलकुलेशन इधर करते हैं, बाय कैलकुलेशन इन ट्राइंगल OAP, ट्राइंगल OAP दिख रहा है आपको, O यहाँ पर है, A यहाँ पर है, P यहाँ पर है, ठीक है। इस टाइप का ये अंदर वाला सर्कल, ये बाहर वाला सर्कल, इसको ध्यान से देखते चलना। यहाँ पर क्या है, O पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट बनाई ऐसे, तो ये कौन सा है, यहाँ पर A पॉइंट है, यहाँ पर P पॉइंट है। तो इस टाइप का डायग्राम दिख रहा है उस वाले में, ये O है बीच वाला पॉइंट, ये A है तो यहाँ पर A आ गया, इधर ये P है तो ये P आ गया। तो OAP के अंदर OA की लेंथ क्या है, यहाँ पर OA की लेंथ कितनी है, OA है अंदर वाले सर्कल की रेडियस, ठीक है। तो वो कितनी ली थी हमने, 4। और OP देखो, OP क्या है, यहाँ से लेके वहाँ तक, तो ये तो बाहर वाले सर्कल की रेडियस है, वो कितनी है, 6 है। तो OA कितना है यहाँ पर, 4, और OP टोटल कितना हो गया, 6। हमें यहाँ पे पता करना है लेंथ ऑफ टेंजेंट पता करनी है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इसमें PGT लगाएंगे हम, बाई कैलकुलेशन मतलब PGT से, बाय PGT। इसमें हाइपोटन्यूज कौन है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटन्यूज है, कितना, OP। तो OP का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। OP की वैल्यू कितनी है, 6 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर OA, OA की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 प्लस AP का स्क्वायर। तो AP का स्क्वायर यहाँ पर ये 16 इसमें आके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, इधर 36 माइनस 16 कितना बचेगा, 20 इक्वल टू AP का स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो फाइनली AP कितना बचा, अंडर रूट ऑफ 20 बच गया, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 20। अब अंडर रूट 20 कितना होता है ये कैसे पता करेंगे हम, इसको ऐसे लिख लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 4 × 5, अंडर रूट ऑफ 4 × 5 आ गया। तो अब ये अंडर रूट 4 जो है ये तो बच के बाहर आ जाएगा, 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2। ये अंडर रूट 5 अंदर फंस गया क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं ना, 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है। अब 2 इंटू आपको रूट 5, ये दो तीन वैल्यू जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रूट 2 पता है कितनी होती है, 1.414 डॉट डॉट डॉट, ठीक है।
रूट थ्री पता कितना होता है, 1.732 डॉट डॉट डॉट, इरेशनल नंबर है ना, ये तो आगे चलता रहेगा ये। रूट फाइव ये होता है 2.236 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये तीन वैल्यूज तो यार याद रखो, ये ना ये हमेशा याद रखना। तो रूट फाइव की वैल्यू कितनी उठानी है यहाँ पे, 2.236, तो कितनी आ गई, 2.236 डॉट डॉट डॉट। तो इसका आंसर कितना आया, टू को टू इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना देगा, 4.4, ये कितना 6 का 12 बनेगा, 3 का डबल कितना होगा 6, और 7 करीबन 4.47 के आंसर आ जाएगा, ठीक है, 4.47 के आसपास आ जाएगा। और अपना वैसे लेंथ भी इतना ही आ रहा है, तो ये दोनों तरीके से हमने पता कर लिया, ठीक है। कैलकुलेशन वाइज एग्जैक्ट आंसर आता है, यहाँ पर तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एरर आ जाता है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।